भारतीय किसान यूनियन द्वारा पूरे प्रदेश में आज प्रदेशव्यापी आंदोलन शुरू किया गया है। यहाँ सभी जिला मुख्यालयों का घेराव किया गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं गौतम बुद्ध नगर के जिला मुख्यालय पर, जहाँ भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और उनसे बात करते हैं कि आखिर किन मांगों को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जी, सबसे पहले पवन खटाना, मेरठ मंडल अध्यक्ष और प्रदेश प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन ए राजनीतिक टिकैत। किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन का धरना चल रहा है? भाई, मुद्दा तो ये है कि जो किसान जिन जिन चीज़ों से किसान होता है उन्हीं चीज़ों के लिए वो परेशान है। उसकी फसल बिक नहीं रही, न्यूनतम समर्थन मूल्य का दुनिया में शोर मचा रखा जी, हमने न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया, लेकिन जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसके भी आधे रेट में भी खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं। हमारा कहना है जो न्यूनतम समर्थन मूल्य आपने घोषित कर दिया उस पर धान, मक्का, बाजरा, उसकी खरीदारी सुनिश्चित की जाए। हमारा कहना है कि जो गन्ने का पेमेंट 14 दिन के लिए सरकार ने कहा था कि हम 14 दिन के पेमेंट पर आपका गन्ना लेंगे, वो 14 महीने हो गए हैं, किसानों के गन्ने का पेमेंट नहीं मिला है। बिजली विभाग किसान के कनेक्शन को काटती है, उन पर FIR दर्ज करती है, ना किसी अधिकारी के खिलाफ़ FIR होती, ना किसी पूंजीपति के खिलाफ़ FIR होती, ना किसी नेता के खिलाफ़ FIR होती। हज़ार दो दो हज़ार रुपये के जो बिल हैं उनको बकाया बिल बताते हुए उन पर FIR दर्ज की जाती हैं। उन सबको लेकर के हमारा यहाँ पर आज आंदोलन है। अनिश्चितकालीन आदरणीय राकेश टिकैत जी और नरेश टिकैत जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में हर जिला मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना रहेगा, जब तक ये सरकार ये लिखित नहीं देगी कि MSP पर कम खरीद पर हम किसानों की फसल नहीं खरीदेंगे, गन्ने का भुगतान करेंगे, और बिजली के जो कनेक्शन हैं उनको किसान के को नहीं काटा जाएगा, उनके भी बिल को माफ़ किए जाएंगे। अगर बात की जाएगी आगे क्या प्रारूप रहेगा धरने का, अगर अधिकारी मांगों को नहीं सुनते? देखो क्या है, पूरे प्रदेश के अंदर सभी जिलों पे धरना है, तो जिस जिले पे यही समस्याएं हैं उनको समस्याओं को मतलब एक वो लेके एक बिंदु वाइज लेके उनको सुलझाया जाएगा, और उस सुलझा मतलब जैसे जैसे समस्याएं, जैसे कि आज बिजली विभाग की है, कल प्राधिकरण की है, जहाँ गन्ने की बेल्ट की है वहाँ गन्ने की है, जहाँ हमारे जो जेवर सहित गए हैं वहाँ धान की है, वो इस तरीका से हम जब तक ये समस्याओं को यहाँ सुलझा न लेंगे। और ये पूरे प्रदेश चौधरी साहब ने, चौधरी राकेश टिकैत, नरेश टिकैत जी ने यही कहा है कि भाई जिस जैसे जो जिला है उसको बिंदु वाइज एक एक समस्या को मतलब जिले, जैसे हमारे साथ चार सेक्टर हैं तहसीलों के हिसाब से, नवेडा सेक्टर हो गया, एक गिरे तुम्हारा ग्रेटर नोएडा हो गया, सदर दादरी तहसील होती है, एक सदर होगी, एक जेवर होगी, उनको एक एक दिन के हिसाब से लेके चलेंगे और समस्याओं को समाधान अधिकारी करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो भाई इलाज करेंगे, बिल्कुल इलाज के मुंह में है तो इलाज लेकर आएंगे, और जो ट्रीटमेंट उन्हें चाहिए, जो दवाई के एंटीबायोटिक चाहिए, वो एंटीबायोटिक भी हमारे पास है, वो एंटीबायोटिक लेकर यहाँ बैठे हैं, एंटीबायोटिक के हिसाब से उनका इलाज करा जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जवान, जय किसान। भारतीय किसान यूनियन, जय जवान, जय जवान, जय जवान, जय जवान। चौधरी राकेश टिकैत, चौधरी नरेश टिकैत भाइयों, आप लोगों को मैं अवगत करा दूं, इनकी करनी और इनकी नीति से अभी लिस्ट है।